हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है APEPDCL यानी कि आंध्र प्रदेश एस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होगी और साथ ही दोस्तों, अगर आपने ITI कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर से करना और वीडियो का एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा एस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ AP यानी कि आंध्र प्रदेश लिमिटेड। नीचे चलकर आपको बताया गया कि जो एनर्जी असिस्टेंट है जूनियर लाइनमैन ग्रेड 3 की जो ये रिक्रूटमेंट होगी। साथ ही दोस्तों, अगर डेट की बात करते हैं तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 अगस्त से शुरू होंगे और 24 सितंबर को बंद हो जाएंगे, यानी कि आप 30 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप फीस की बात करते हैं तो अगर आप OC या BC के कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 700 रुपया, लेकिन दोस्तों अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस मात्र 350 रुपया रहेगी। और दोस्तों, ये जो फीस है आपको ऑनलाइन यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे करनी होगी। एज लिमिट की दोस्तों बात करते हैं तो आपकी उम्र जो है 21 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2021, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी एज का कैलकुलेशन होगा और उस दिन आपकी उम्र 21 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आप जिस ट्रेड से फिल करेंगे उस ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 398 जो है टोटल पोस्ट निकली हुई, यानी कि 398 जो है यहाँ पर टोटल वैकेंट पोस्ट है। आप अलग अलग सर्कल जैसे कि श्रीकाकुलम, इसके बाद विजयग्राम और इसके साथ विशाखापट्टनम, इलूरू, यहाँ पर अलग अलग जर्नल की और ब्लॉक बैकलॉज की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 398 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, जैसे कि डेट का जिक्र हमने पहले कर लिया, आपके एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, साथ में दोस्तों आपका आईडी प्रूफ जो है बिल्कुल सीओस्टिक होने चाहिए, आपके फोटो साइन आईडी प्रूफ जो है स्कैन होकर अपलोड हो गए। और दोस्तों, मैं आपके एक बात बता दूं, जब तक आपकी फीस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा और फाइनल सबमिशन के बाद आपको प्रिंटआउट ले लेना है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।